Dear students, welcome to our educational channel Mechanical Pandit. आज जो है हम लोग theory of machine और किसी किसी university में ये dynamics of machine के अंदर का एक छोटा सा प्यारा सा topic है. That is the concept of the governor और governor basically एक device है जिसका आज हम लोग पूरा detail में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे. बाद बाकी जो मैथमेटिकल इसका डिस्कशन है दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर. तो आइए हम लोग जो है इस जो है गवर्नर के ऊपर देखते हैं. ये आप देख रहे होंगे, इट इज बेसिकली ए डिवाइस दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंजन. किसी भी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन या कहीं भी जहाँ पे फ्यूल सप्लाई है वहां पे इस गवर्नर का हम लोग यूज करते हैं. आप देखिए थोड़ा सा जो है इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए पहले से फिगर बना करके रखे हैं ताकि अपना समय बर्बाद ना हो. इसमें फिगर को यदि आप समझ गए, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझ गए, तो ये आप मान जाइएगा कि आपने 50% गवर्नर को समझ लिया. ये बेसिकली मैं आपको फिर से बता दूं, ये थ्योरी ऑफ मशीन का हमारा एक टॉपिक है, थ्योरी ऑफ मशीन का, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये डायनामिक्स ऑफ मशीन का टॉपिक है. डायनामिक्स ऑफ मशीन का टॉपिक है, इसको हम लोग डॉम बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको डॉम बोलते हैं. ठीक है, अब गवर्नर जो है, सबसे पहले तो होता क्या है गवर्नर, तो ध्यान दीजिए, गवर्नर इज वन काइंड ऑफ डिवाइस दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंजन टू मेंटेन इट्स एवरेज इक्विलिब्रियम स्पीड, एवरेज मीन स्पीड. ठीक ना, एवरेज स्पीड. अब होता क्या है इसको समझिएगा, जब भी आप कभी बाइक पे या कार में या बस में कभी भी आप बैठते हैं तो वह अपने एक इनफर्म स्पीड से क्या होता है, चलता है. जब इसके ऊपर आप लोड बढ़ाते हैं, ठीक ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब आप देखते होंगे, खुद आप फील किए होंगे, जब आप किसी भी बस या ट्रक पे जब लोड बढ़ा देंगे अचानक से, तो उसकी जैसे लोड जैसे ही बढ़ेगा तो जनरली होता क्या है, स्पीड आपका डिक्रीज हो जाता है. यदि स्पीड डिक्रीज हो गया इसका मतलब कि इंजन के ऊपर लोड बढ़ा, तो इंजन का स्पीड क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द एवरेज स्पीड. ठीक है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, जैसे आप लोड बढ़ाएंगे हो सकता है 40 हो जाए. टू मेंटेन द एवरेज स्पीड यू विल नीड टू मोर सप्लाई ऑफ द फ्यूल. ठीक है, तो वही फ्यूल सप्लाई करने के लिए इस गवर्नर का यूज करते हैं. अब देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइस, ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नर. यहां ध्यान दीजिए कि ये जो आपका दिख रहा है पूरा एक्सिस, ये जो है दैट इज कॉल्ड स्पिंडल. ठीक है, यहां लिखने को मैं यही लिख देता हूं, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल. इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल. और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं, ठीक है, दैट इज फ्लाई बॉल्स, इसको हम लोग दोनों, ये दो आप देख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लाई बॉल्स. इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको. और ये है आपका आर्म्स, और ये जो पूरा पार्ट है आपका यहां से यहां तक पूरा, दैट इज कॉल्ड स्लीव. ठीक है, और ये आपका गियर मैकेनिज्म है जो डायरेक्ट इंजन से ये स्पिंडल लिंक्ड है. ठीक है ना, जैसे जैसे इंजन रोटेट होगा, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे इंजन रोटेट होगा उसी स्पीड से, क्योंकि स्पिंडल इज बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंजन, तो इंजन के स्पीड से ही स्पिंडल भी क्या होगा, रोटेट होगा. ये जो रोटेशन होगा यह किसके स्पीड से होगा, राइट, इंजन के स्पीड से होगा. अब ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट कहां पे है, ये सब क्या है, पिन ज्वाइंटेड है. ये क्या है आपका, पिन ज्वाइंटेड है. अब आप समझिए थोड़ा सा कि ये जब स्पिंडल आपका रोटेट करेगा, ठीक है ना, ये स्पिंडल जो है रोटेट करेगा, तो इससे जो ये फ्लाई बॉल वाला आर्म है ये क्या होगा कि ये भी रोटेट होगा पूरा सिस्टम. जब पूरा सिस्टम रोटेट होगा, ये हम बता रहे हैं आपको कि फ्लाई बॉल्स है और इसका कुछ स्मॉल मास होगा. इसका जो मास होगा, तो यहाँ पे मास और जब आप रोटेशन होगा तो ओमेगा वेलोसिटी हो गया, देयर इज ए रेडियस ऑफ रोटेशन, यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा वेलोसिटी है तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा. कुल मिलाकर के इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कहां पे, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये बॉल इधर जाना चाहेगा, ये बॉल इधर जाना चाहेगा, ये जब दोनों जाना चाहेंगे तो अल्टीमेटली आप देखिए यहां भी पिन ज्वाइंटेड है,
तो ये क्या होगा, जैसे ही ये दोनों बाहर जाएंगे ये स्लीव क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये स्लीव ऊपर जाएगा। ये जब स्लीव ऊपर जाएगा, अब अभी हम बात कर रहे थे कि स्पीड की, जैसे ही स्पीड आपका बढ़ा ठीक ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम किया है। यहां पे कौन सा फोर्स कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बॉल्स क्या होंगे, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ेगा तो ये स्लीव जो है पूरा का पूरा क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब ये स्लीव, दिस स्लीव इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बेल क्रैंक लीवर। इसको जो हम लोग बोलते हैं क्या, बेल क्रैंक लीवर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर जो है ये अटैच्ड है किससे, फ्यूल सप्लाई से ठीक ना। इट इज बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फ्यूल सप्लाई। अब ये फ्यूल सप्लाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज ए थ्रॉटल वाल्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका है क्या है, थ्रॉटल वाल्व। इसको बोलते हैं थ्रॉटल वाल्व। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे स्पीड बढ़ेगा तो ये क्या जाएगा, बाहर, और ये स्लिप कहाँ जाएगा, ऊपर। स्लिप जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, इसको टर्न करेगा, इसको टर्न करेगा, इसको टर्न करेगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होगा। ये थ्रॉटल वाल्व जो है, जो अभी ऐसे है, इसके साइड से फ्यूल जा सकता था, ये ऐसे रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी। फ्यूल की सप्लाई कम होगी इसका मतलब कि इंजन को फ्यूल कम मिलेगा। जब फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी तो स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट गवर्नर का सिर्फ इतना सा ही है कि कोई भी इंजन जो है किसी भी स्पीड से ठीक ना, वो जो है रोटेट हो रहा है ठीक ना, और जैसे ही लोड बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट इतना सा ही है कि लोड जैसे ही बढ़ेगा आपका, लोड आप बढ़ाएंगे ठीक ना, तो जैसे ही लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड आपका डाउन होगा। दोस्तों जब स्पीड यहाँ डाउन होगा ठीक ना, यहाँ जब स्पीड डाउन होगा स्पिंडल का, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, कम होगा। आप ऐसे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर ठीक ना। तो अब ये वी स्क्वायर या यही जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ठीक ना। हम ये करें तो ये ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये जब स्पीड कम हो गया तो कम लगेगा, तो रेडियस ऑफ रोटेशन घटेगा, ये घटेगा तो क्या होगा, स्लीव नीचे जाएगा ठीक ना। स्लीव नीचे जाएगा तो यहाँ पे जैसे स्लीव नीचे जाएगा तो दैट विल बी टर्न टू एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा दैट मींस यहाँ पे फ्यूल सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जैसे ही लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब स्पीड डिक्रीज होगा तो स्लीव का भी जो है, ये स्लीव क्या होगा, नीचे आएगा। स्लीव विल कम इन दोनों डायरेक्शन। स्लीव जब नीचे आएगा तो यहाँ पे थ्रॉटल वाल्व जो है, थ्रॉटल वाल्व जो है क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा, दैट मींस कि ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा ठीक ना। थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो जाएगा, दैट मींस कि फ्यूल सप्लाई क्या हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा। फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो स्पीड, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ घटा ठीक ना, तो स्पीड घटने के चलते हम जरूरी है कि मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए स्पीड बढ़ाए, और स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है कि फ्यूल सप्लाई बढ़े। तो इस तरह से यहाँ फ्यूल सप्लाई आपका बढ़ जाता है और स्पीड मेंटेन हो जाता है। इन दिस सिमिलर केस ठीक ना, इन दिस सिमिलर केस आप ध्यान दीजिए, जब लोड आप घटाएंगे ठीक ना, क्योंकि बाइक भी आप चलाते हैं तो देखते हैं ना कि कहीं स्लोप आ गया ठीक ना। अब इस तरह से स्लोप पे जाना है यदि ठीक ना, तो यू नीड टू एक्सेलरेट द व्हीकल, दैट मींस कि आपको एक एवरेज स्पीड, मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए ठीक ना क्या होगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ाना है। तो फ्यूल सप्लाई कौन बढ़ाएगा ठीक ना, आपको थोड़ी फुर्सत है, ड्राइवर को थोड़ी फुर्सत है। तो गवर्नर इज बेसिकली डिवाइस दैट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल ऑटोमेटिकली ठीक है। जैसे ही लोड बढ़ा तो क्या हो गया, बार बार मैं इस चीज को बता रहा हूं, लोड बढ़ेगा ठीक ना तो स्पीड घटेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा, ये स्लीव नीचे आएगा, स्लीव जैसे ही नीचे आएगा तो थ्रॉटल वाल्व
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करेगा, दैट मींस कि फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा। दिस इज दी बेसिकली फ्यूल सप्लाई। ये जो है आपका, इधर से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल सप्लाई। लेकिन जब आप प्लेन रोड पे आ गए, इसका मतलब कि लोड हमारा कम हो गया। जब लोड हमारा कम हो गया तो स्पीड जो है, जैसे ही लोड कम होगा स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। और हमें मेंटेन क्या करना है, ऑलवेज बार बार बोल रहे हैं कि इसको हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा, ए डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू मेंटेन द एवरेज स्पीड ऑफ इंजन विद द वेरिएशन ऑफ लोड, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे बात चल रही थी अपनी कि लोड जैसे ही घटेगा स्पीड बढ़ेगा, और आपको बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको एक एवरेज स्पीड चाहिए। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका ये बढ़ा तो क्या हो जाएगा, स्लीव जो है, स्लीव हाइट, स्लीव क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो स्लीव कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, स्लीव ऊपर जाएगा। जैसे ही स्लीव ऊपर जाएगा दैट मींस कि यहां पे ये बेल क्रैंक लीवर के हेल्प से थ्रोटल वाल्व जो है क्या होगा, क्लोज होगा, थ्रोटल वाल्व विल क्लोज, ये बंद होने लगेगा, ठीक है। जब बंद होने लगेगा दैट मींस कि फ्यूल सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई और रुद्ध हो जाएगा, दैट मींस कि मिनिमाइज हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई विल गो डाउन। जब इंजन को फ्यूल ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको यदि भोजन नहीं मिले तो कैसे आप दौड़ेंगे, जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा इंजन को कम मिलेगा, तो जितना मिलेगा उतना ही चलेगा, ठीक है। तो जितना फ्यूल सप्लाई मिलेगा उस हिसाब से इंजन चलेगा, फ्यूल सप्लाई कम हो गया तो इंजन का स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा दैट मींस कि मीन स्पीड को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, हमने कई बार बोला। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है लगेगा तो क्या स्लिप कितना भी ऊपर जा सकता है, नहीं, या कितना भी नीचे जा सकता है, नहीं, देयर इज ए लिमिटेशन, देयर इज ए रेंज, ठीक है। अब ये तो हमने आपको बता दिया था कि ये क्या है, आपका इंजन है डायरेक्ट, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये गियर मैकेनिज्म है जिससे कि अटैच्ड है। ये ध्यान दीजिए, ये दो स्टॉपर्स लगे हैं, एक यहां पे लगा है स्टॉपर और एक स्टॉपर लगा है यहां पे, एक स्टॉपर यहां लगा है, दैट मींस कि स्लीव का जो है मैक्सिमम हाइट इधर जा सकता है या इधर आ सकता है, स्पीड कम होगा दैट मींस कि ये जब बिल्कुल इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल जब यहां पे आ जाएगा, यहां कब आएगा, नीचे कब आ जाएगा, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, दैट मींस कि लोड आपका बहुत ज्यादा लगेगा। कि जब कम हो जाएगा तो यहां पे ये मैक्सिमम ओपन होगा, मैक्सिमम ओपन मतलब एक लिमिट तक ही ओपन होगा, वो भी जितना कि इसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। और जब ये बिल्कुल ऊपर चले जाएगा दैट मींस कि यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बंद होगा। बंद होने का मतलब ये नहीं है कि 100% फ्यूल सप्लाई बंद हो गया, ठीक है, जो एक एवरेज फ्यूल सप्लाई है वो तो होते रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरेज सप्लाई जैसे 60% हम मान लें, ठीक है ना, एवरेज सप्लाई, तो कभी 80 होगा, कभी 40 होगा, या कभी 100 हो सकता है मैक्सिमम, उससे तो ऊपर हो नहीं सकता है, तो दैट इज द केस, ठीक है ना। तो ये 60% तो आपको कुछ नहीं करेंगे तो भी ये फ्यूल सप्लाई होते रहेगा, तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द गवर्नर। ये हमारा कांसेप्ट था गवर्नर का। और इसमें एक चीज और जरूर समझिएगा कि यहाँ पे जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन जो है, ये रेडियस ऑफ रोटेशन यहाँ से यहाँ तक यदि हम मान लें ये r, स्मॉल r, ये स्मॉल r क्या होगा, दैट विल वेरी, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, ठीक है ना। तो
अब आइए फिर से एक बार लास्ट में हम बताएंगे कि गवर्नर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गवर्नर ये डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू मेंटेन द एवरेज स्पीड ऑफ इंजन विद द वेरिएशन ऑफ द लोड अप्लाइड ऑन द इंजन। ठीक है, ये हर इंजन में माउंटेड होता है। अब पूछिए सर इलेक्ट्रिक इंजन में गवर्नर का एप्लीकेशन नहीं है, वहां वोल्ट मीटर से वोल्टेज को जो है मैनेज करते हैं। यहाँ पे फ्यूल सप्लाई, चूंकि जहां पे फ्यूल सप्लाई है वहीं पे गवर्नर का एप्लीकेशन है, चाहे वो स्टीम टरबाइन में भी गवर्नर का एप्लीकेशन हो सकता है, स्टीम इंजन में हो सकता है, डीजल इंजन में हो सकता है, पेट्रोल इंजन में हो सकता है, दीज आर दी प्लेसेस। तो यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल था हमारा, ये आर्म्स है, ठीक है, ये फ्लाई बल्ब्स है, दीज आर दी लिंक्स, ठीक है ना, दीज आर द रोटरी लिंक्स, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है फ्लेक्सिबल लिंक है। अब यहाँ पे ये स्लीव है, ये स्लीव मैक्सिमम ऊपर जा सकता है यहाँ तक, क्योंकि यह स्टॉपर लगा है, यहाँ भी क्या लगा है, स्टॉपर लगा है, और ये स्पिंडल जो है आपका इंजन से जुड़ा हुआ है। तो इंजन जिस स्पीड से रोटेट करेगा दोस्त, उसी स्पीड से आपका स्पिंडल भी रोटेट करेगा। अब जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो स्पिंडल से, ठीक है, इस आर्क मैकेनिज्म के हेल्प से एक फ्लाई व्हील लगाए हुए हैं। इस फ्लाई व्हील का कुछ मास तो होगा, कोई भी पार्टिकल है तो कुछ मास तो होगा, भले ही बहुत कम होता है लेकिन होता तो है। अब जब स्पीड है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब जब लोड कम होगा, ठीक है ना, तो इंजन की स्पीड ज्यादा होगी, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, और ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। ये कॉमन सेंस आपका बोल रहा होगा कि जब ऊपर उठेगा, ठीक है ना, तो ऊपर उठेगा तो यहाँ से बेल क्रैंक लीवर के हेल्प से इस तरह से ये अरेंज है कि आपका थ्रोटल वाल्व क्या होगा, बंद होने लगेगा। जब बंद होने लगेगा तो फ्यूल सप्लाई इंजन को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। जैसे आप कम भोजन करेंगे तो कम एनर्जी मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा करेंगे तो बीमारी भी मिलेगा, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा भी नहीं करना, इसलिए तो ये स्टॉपर लगाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जैसे लोड बढ़ेगा या लोड कम होगा, लोड कम होने से स्पीड बढ़ेगा तो आपका ये स्लीव नीचे जाएगा, और स्लीव नीचे जाएगा थ्रोटल वाल्व ओपन होगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो आपका इंजन का स्पीड बढ़ेगा। मान लीजिए कि लोड जो है कम हो गया, लोड यदि कम हो गया तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एवरेज स्पीड मान लीजिए कि 60 है और स्पीड बढ़ के 80 हो गया, अब 60 मेंटेन करना है, इसका मतलब कि आपको फ्यूल सप्लाई कम करना होगा। फ्यूल सप्लाई कैसे कम होगा, इस मैकेनिज्म के हेल्प से ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका बढ़ेगा, स्लीव ऊपर जाएगा, इधर थ्रोटल वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा, फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इट इज वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ द डिवाइस दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंजन टू डिलीवर द सप्लाई ऑफ द फ्यूल, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है ना, अब इतना जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, यह समझ गए हो तो इसको नोट डाउन कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ द गवर्नर। ये अभी हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ द गवर्नर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ द गवर्नर हैं, ठीक है। अब उस सारे टाइप्स पढ़ाने के पहले फिर एक बार हम आपको याद दिला देते हैं थोड़ा सा कि गवर्नर का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से याद दिलाएंगे, हम बार बार याद दिलाएंगे, ठीक है ना। और ये अभी अगले जो है, मैं कई बार बताता हूँ ना कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, यदि हमारे इस जो है हमारा और आपका जो एक प्यारा सा चैनल है मैकेनिकल पंडित, तो उसमें जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज जाइए और इन सिक्वेंस ही सारे वीडियो हमारे डले हुए हैं,
ठीक है, तो उसको सीक्वेंस में ही देखिए। जैसे ये आप गवर्नर का देखेंगे तो ये जो है आपका लेक्चर नंबर जो होगा यहाँ पे आप देखेंगे यदि ध्यान से, तो ये लेक्चर नंबर हमारा 102 होगा। ठीक है, इसके पहले 101 जो है डल चुका है, इसके पहले 101 भी गवर्नर का ही था। तो एनीवे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर का कॉन्सेप्ट फिर से हम बता दें कि लोड जब बढ़ेगा ठीक ना, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। स्पीड घटेगा मतलब यदि 60 एवरेज स्पीड है, घट के 40 हो गया, आपको 60 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आपको 60 एवरेज स्पीड मेंटेन करना है, तो अब मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे, तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा ठीक ना, तभी तो स्पीड मेंटेन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका ये स्पीड घटेगा, जैसे ही स्पीड घटेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी घटेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा तो रेडियस ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, घटेगा। रेडियस ऑफ रोटेशन भी घटेगा, ये रेडियस ऑफ रोटेशन है, रेडियस ऑफ रोटेशन घटेगा तो स्लिप भी क्या होगा, नीचे जाएगा। स्लिप जब नीचे जाएगा, ये स्लिप नीचे जाएगा तो थ्रोटल वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। यहां से अब ये थ्रोटल वाल्व ओपन होगा, थ्रोटल वाल्व ओपन होगा तो फ्यूल सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर से बता दें कि लोड जैसे ही बढ़ेगा आपका तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी घटेगा, रेडियस ऑफ रोटेशन भी घटेगा और स्लिप भी नीचे जाएगा। ठीक है, स्लिप नीचे जाएगा तो थ्रोटल वाल्व क्या होगा, क्योंकि बेल क्रैंक लीवर से अटैच है, तो यहां से ये आपका थ्रोटल वाल्व जब ओपन होगा तो फ्यूल सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे ही फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो आपका एवरेज स्पीड जो हम बता रहे थे वह मेंटेन हो जाएगा। जब एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो आपका बेसिक पर्पज था। अब आइए थोड़ा सा इसी के साथ हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ गवर्नर, क्या है टाइप्स ऑफ ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ गवर्नर्स। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको बता करके तब हम एंड करेंगे। ऐसे तो अनेकों टाइप के हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो है दो टाइप्स के हैं, ठीक है ना। गवर्नर की शादी हुई और इसके दो बच्चे, ठीक है ना। पहला कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ध्यान दीजिएगा ये जो अभी आप देख रहे थे ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, और एक होता है इनर्सिया गवर्नर। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। जहां तक इनर्सिया गवर्नर की बात है, इस इनर्सिया गवर्नर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट तो यूज होता ही होता है। टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द बॉल, जो आपका बॉल का पोजीशन है, दैट आर बीइंग अफेक्टेड बाय द फोर्स बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम बता रहे थे वो तो होगा ही होगा, साथ में इन एडिशन टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर्शिया फोर्स इज आल्सो बीइंग कैलकुलेटेड एंड आर यूज्ड टू सी द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया के इफेक्ट तो होगा, ठीक ना। जब बॉल ऑपरेट होगा, ठीक ना, एक्चुअल जो स्पीड जो इंजन का चेंज होगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो है जरूरत तो है ही, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा इन केस ऑफ इनर्शिया गवर्नर, तो रिस्पांस ऑफ इनर्शिया गवर्नर इज बेसिकली फास्टर देन द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, क्योंकि इनर्शिया गवर्नर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूंकि इनर्शिया क्या है कि यहाँ पे जैसे ये बॉल बाहर जा रहा है तो हमेशा जाना चाहेगा, यदि इधर अंदर आना आ रहा है तो अंदर ही आना चाहेगा, तो थोड़ा सा इनर्शिया इफेक्ट होता ही होता है एक्चुअल में, दैट इज द पार्ट ऑफ इनर्शिया गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है फर्दर ये डिवाइड होता है बहुत सारे टाइप में, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बहुत सारे टाइप में डिवाइड होता है, तो जो सबसे पहला टाइप है हमारा इसका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, वह है पेंडुलम टाइप या लोडिंग टाइप, इसको बोलते हैं पेंडुलम टाइप।
गवर्नर या लोडिंग टाइप, लोडिंग टाइप गवर्नर। पेंडुलम को ही हम लोग वाट गवर्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट गवर्नर। और ये वाट गवर्नर का ही मॉडिफिकेशन है हमारा पोर्टर गवर्नर, जो अभी हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये वाट्स गवर्नर पेंडुलम टाइप में वाट गवर्नर, या वाट गवर्नर का एक फर्दर मॉडिफिकेशन जो है वह है कौन सा, हमारा पोर्टर गवर्नर। अब इसमें लोडिंग टाइप में दो तरह का लोड लगता है, एक तो डेड वेट, ये जो है देखिए या तो डेड वेट होगा, डेड वेट। अब ये वेट कहां पे लगता है थोड़ा सा हम बता दे, यही जो स्लीव है अभी क्या ये फ्री है, इसके ऊपर जब हम लोड लगा देंगे, ठीक ना, तो लोडिंग टाइप हो जाएगा, इसके ऊपर क्या कर देंगे, लोड लगा देंगे, ठीक है। तो मूवमेंट जो अभी हो रहा है जितना फ्रीली, उतना फ्रीली नहीं होगा, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेड वेट गवर्नर, ठीक ना। या स्प्रिंग कंट्रोल्ड, क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल्ड, स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, ठीक है। अब डेड वेट में, ठीक ना, डेड वेट में दो तरह का गवर्नर पाया जाता है, ठीक ना, डेड वेट में दो तरह का गवर्नर पाया जाता है। पहला होता है यही पोर्टर जो अभी हमने आपको बताया, ठीक ना, पोर्टर गवर्नर, और एक होता है प्रोइल, जो हम आपको पूरा डिस्कस में पूरा इन लेंथ जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल बॉल में, ठीक ना, इसको हम कहां ले रहे हैं, थोड़ा सा यहां पे ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है सबसे पहला जो गवर्नर होता है, दैट इज द हार्टनेल गवर्नर, क्या होता है, हार्टनेल गवर्नर। दूसरा होता है हार्टंग गवर्नर, हार्टंग गवर्नर। तीसरा जो होता है हार्टनेल, हार्टंग गवर्नर। और इसी हार्टनेल के पहले विल्सन लगा दीजिए, एक विल्सन हार्टनेल गवर्नर भी होता है, विल्सन हार्टनेल गवर्नर। और लास्ट गवर्नर जो होता है हमारा वो होता है पिकरिंग गवर्नर, ठीक ना। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, ये हार्टंग अलग है, विल्सन हार्टनेल अलग है, ठीक है। तो अब फिर से एक बार टाइप ऑफ द गवर्नर में हम डिस्कस कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर या इनर्शिया गवर्नर, ठीक है। इनर्शिया गवर्नर का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ इनर्शिया के इफेक्ट को लेते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल में इनर्शिया इफेक्ट क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने छोड़ दिया, ठीक ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फिर से, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की फिर से शादी हुई, और इसके दो बच्चे मिलने, पेंडुलम टाइप और लोडिंग टाइप। यहाँ पे पेंडुलम टाइप का गवर्नर होगा या लोडिंग टाइप का गवर्नर होगा, ठीक है। पेंडुलम टाइप वाले में ही वाट गवर्नर होता है, ठीक ना, दैट इज बेसिकली यही वाट गवर्नर है, अपने आप में आप समझ जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि इट इज दी वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ दी गवर्नर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग टाइप गवर्नर में ये डेड वेट गवर्नर और स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, ठीक है। उसके बाद डेड वेट गवर्नर फर्दर डिवाइड होकर के पोर्टर गवर्नर एंड प्रोइल गवर्नर, और स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर में फर्दर हार्टनेल गवर्नर, हार्टन गवर्नर, विल्सन हार्टनेल एंड पिकरिंग गवर्नर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप ऑफ दी गवर्नर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे आपको, ठीक ना, तो नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन द गवर्नर हम आपको बताएंगे, ठीक ना, कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं गवर्नर में, ठीक ना, गवर्नर का इक्वेशन डिराइव करने के लिए। लेकिन एक चीज और बता दें कि जैसे कि ये लेक्चर नंबर 102 था, उसी तरह 103 में टर्मिनोलॉजी देखेंगे आप, ठीक ना, 104 में फिर से वाट गवर्नर, 105 में पोर्टर, प्रोइल, सब सेपरेट वीडियो आपको इसी सीक्वेंस के, इसी के आगे सारे वीडियो आप मिलेंगे। इट इज माय काइंड सजेशन, ठीक ना,
कि यहां पे आप इन सीक्वेंस वीडियो देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हम उस उन वीडियोस का लिंक दे देंगे, तो आप इन सारे वीडियोस को देखिए और अपनी ज्ञान बढ़ाइए। बीइंग द मैकेनिकल स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट। सिर्फ अकेले ही जिंदगी जो है, जिंदगी का सारा आनंद नहीं उठाना है, दूसरे को भी जो है मौका दीजिए। तो ये था हमारा जो है छोटा सा प्यारा सा जो चैनल था आपका मैकेनिकल पंडित, इसको भी जो है आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। हालांकि आपने काफी प्रमोट किया है, ठीक ना, लेकिन फिर भी आपसे ये हमारा जो है एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको जो है प्रमोट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं।